दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। मेसी फायर ब्रोक आउट इन फोर व्हीलर टायर वेयर हाउस एट अफजलगंज ऑन वेडनेसडे। अकॉर्डिंग टू फायर ऑफिशियल द ब्लेज स्टार्ट अराउंड 11:30 AM in the warehouse located behind the Afzalganj bus station. On information, a fire tender from the Gauligoda fire station rushed to the spot and started the fire operation. Officials suspect some person might have thrown a lighted cigarette, but the open compound where tires are stored resulting in the fire mashup. आज 10 और 11 के दरमियान में जो कि अफजलगंज सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने अंदरूनी मूसी रिवर एरिया में जो कि प्लास्टिक का गोदाम था, टायरों की भी गोदाम था, यहाँ पर आग लगने की वजह से जैसा आग लगी इसकी तला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरशर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने फायर स्टेशन के आला अहदेदारों से बात करके फौरी फायर स्टेशन के लोगों को यहाँ पर रवाना किया और बल्दिया के आला अहदेदार और वाटर बोट के जो कि फायर के गाड़ियों में पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी के लिए वाटर बोट के आला अहदेदारों से सदर मोहतरम ने बात किए और यहाँ पर हमारे कारपोरेटर्स जनाब सोहेल खादरी साहब, आलमदार वालाजई साहब, जफर खान साहब कारपोरेटर पूरे लोग यहाँ पर थे और ये आग को काबू में लाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगे, जो कि ये आग की लपेट में यहाँ पर एक बलद बोल के पेट्रोल पंप है वो भी आ सकता था, मगर हमारे कारपोरेटर्स ने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर अपनी जान को खेलते हुआ आग को काबू में लाए। बहुत बड़ी काबिल कबूल बात है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है, जब कभी भी आवाम को तकलीफ़ होती है बराबर आवाम को खांदा लगाकर ठहरने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बेंगलुरु के ये बंगाल के इलेक्शन कैंपेनिंग में रहते बावजूद भी यहाँ के ये मसले में जो आग लगी है लगते कि फौरी आला अहदेदारों से बात कर कर यहाँ पर रवाना किए। मैं साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आग लगने की वजह क्या है कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गरीब लोगों के झोपड़ियाँ भी है, वो लोग की भी जान जा सकती थी, मगर मंजिस की कारकर्दगी के ऊपर वो उसको वो लोगों की जान बचाया गया और यहाँ पर जो गोदामा है वो गोदामों की वजह से शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी है। मैं यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी ऑफिसरों से बोलना चाहता हूँ कि इसकी तहकीकात करिए आप, क्योंकि ऐसे हालात ख़राब होने से लोगों की जानों को धोखा भी है इसमें, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो यहाँ पर आकर सदर मोहतरम ने आला अहदेदारों से बात की और हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब सोहेल खादरी साहब, जनाब आलमदार वालाजई साहब और जफर खान साहब पूरे जने मिलकर यहाँ पर एक अच्छा काम करे और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक हादसा बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होने से इसको आग को काबू में लाया गया। कोई जानी नुकसान कुछ हुआ? नहीं 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 जानी। किसकी कुछ पता है? कुछ पता बता सकते हैं? अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इस मोमेंट में इस टाइम पर यह बात करना अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तकरीबन 90% आग को काबू में लाया गया, अभी 10% और हमारे वाटर बोर्ड के जनरल मैनेजर खादर साहब भी यहाँ पर फील्ड पे है, सदर मोहतरम ने उनको भी भेजा है, तो पूरे लोग यहाँ पर एक अच्छा फील्ड वर्क कर रहे हैं। पहले आग काबू में आ गए बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले वो लोग उनका काम करेंगे। सर आप हेलो सर बात कर लिए ना आपको? सर आप शुरू से यहाँ पे लगे हुए हैं जी जी, तो क्या कुछ इतला कुछ अपडेट जो कि शुरू से आग? मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर आया कि उन्होंने हिदायत दी कि मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम आला अहदेदारों से फायर ब्रिगेड के, बल्दिया के, पुलिस डिपार्टमेंट के, वाटर वर्क्स के सब इंशाल्लाह काम हो रहा है, अभी तकरीबन आग को काबू पा लिया गया है। जितना अमला मेहनत करा, आवाम ने भी बढ़ चढ़ के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई वर्कर्स बढ़ चढ़ के काम करे हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह अल्लाह उसका अजर देगा, मगर अभी थोड़ा सा काम रह गया, वो भी अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की भी मेहनत है, आप भी काफ़ी टाइम से आप पूरा कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओ, बढ़ गया।
पेट्रोल पंप को आने लगी, बड़ी बात है, धमाका होता था।